नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंसोल। इंदौर की चंदन नगर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह की 2 महिला और 3 पुरुष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह से 50 तोला सोना, 5 किलो चांदी सहित 30 लाख का माल बरामद किया है। पूछताछ में गिरोह ने 22 वारदातें करना कबूला है। फिलहाल पुलिस गिरोह से अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर की चंदन नगर पुलिस ने लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर सहित महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में लूट और चोरी की वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जाता था। इंदौर की चंदन नगर पुलिस ने 5 सदस्यीय गैंग का खुलासा किया है, जिसमें 2 महिलाओं के अलावा 3 पुरुष शामिल है। पुलिस को मिली जानकारी के बाद बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरी गैंग को गिरफ्त में लेकर लूट नकबजनी की 22 वारदातों का खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने गिरोह के पास लूटे गए और चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात और नकदी बड़ी मात्रा में बरामद की है। गिरोह को बकायदा महिलाओं को साथ में रखकर चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देता था। वहीं इस गिरोह के द्वारा लूटे और चुराए गए माल को खरीदने वाले को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंदौर में गिरोह ने शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया था। गिरोह के शामिल लोग मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भी लूट और चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इस गिरोह से पुलिस ने 50 तोला सोना, 5 किलो चांदी सहित कुल 30 लाख का माल बरामद किया है। वहीं कार्रवाई में गिरोह की 2 महिला और 3 पुरुष सदस्यों सहित 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब पुलिस गिरोह से अन्य वारदात और इनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। इसमें आरक्षक का नाम क्या है अपना? मेन पिछले दिनों थाना चंदन नगर पर पदस्थ आरक्षक पंकज सांवरिया को मुखबिर द्वारा सूचना दी कि 2 युवक नकबजनी और लूट की घटनाओं में लिप्त हैं और लगातार वारदात कर रहे हैं। आरक्षक पंकज द्वारा उक्त सूचना से थाना प्रभारी चंदन नगर श्री योगेश तोमर, 2IC चंदन नगर श्री विशाल परियार को बताया, जिन्होंने एडिशनल SP जोन 2 डॉक्टर प्रशांत चौबे तथा CSP अन्नपूर्णा श्री पुनीत गहलोत के मार्गदर्शन में उन दोनों युवकों को पकड़ा और उनसे लगातार पूछताछ की। CSP तथा एडिशनल SP स्वयं घंटों तक बैठे और घंटों की पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों द्वारा थाना चंदन नगर की लूट की घटना घटित करना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही से लूट का माल बरामद करने में सफलता अर्जित की। आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ की तो बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। आरोपी रोशन के साथ साथ उसकी माँ तथा माँ अपने साथ अन्य दूसरी महिलाओं को लेकर चोरी की घटनाओं में शामिल रही है। आरोपियां एक मोडस ऑपरेंडी के तहत स्वयं की बोलेरो गाड़ी से अपने साथ 1-2 महिलाओं को साथ में लेकर जाते, रेकी करते और उसका लड़का तथा उसका साथी सारिका का लड़का रोशन तथा उसका साथी नीलेश दोनों सूने मकानों में नकबजनी की घटनाएं घटित करते। आरोपियों को लगातार पुलिस रिमांड पर लेकर अभी तक चंदन नगर, अन्नपूर्णा तथा द्वारकापुरी के कुल 22 नकबजनी के अपराधों में माल मसरू का बरामद करने में
उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। अभी तक लगभग 500 ग्राम से अधिक सोना और 5 किलो से अधिक चांदी पुलिस बरामद कर पाई है। प्रकरण में 2 महिलाओं समेत 2 मुख्य आरोपी तथा चोरी और नकबजनी का माल खरीदने वाले दीपक सोनी को भी पुलिस के द्वारा इसमें आरोपी नामजद कर उसको भी गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल SP और CSP के लगातार सक्रिय सहभागिता के कारण थाना चंदननगर के उपनिरीक्षक श्री विशाल यादव तथा उनकी टीम और सबसे महत्वपूर्ण आरक्षक पंकज सामरिया की सूचना पर पुलिस को यह उल्लेखनीय सफलता अर्जित हुई है। इस सफलता में प्रारंभिक सूचना आरक्षक पंकज सामरिया की होने से मेरे द्वारा उसे 5,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। साथ ही टीम के अन्य सदस्यों को भी 5,000 रुपये का नगद इनाम दिया गया है। एडिशनल SP और CSP को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। आरोपियों ने इंदौर के साथ साथ ऐसा भी जानकारी में आया है कि राजस्थान में जाकर भी कई चोरी या चैन स्नेचिंग की वारदातें भी भीड़ में की हैं। उस बाबत उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। थैंक यू सर। ये क्या किसी परिवार टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।